दोस्तों, बॉलीवुड के मेगा स्टार अक्षय कुमार ने इस बार सलमान खान और शाहरुख खान को अपनी एक फिल्म के मामले में इन दो स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस साल बॉलीवुड की जबरदस्त फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इस साल बॉलीवुड के दो बड़े मेगा स्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान और सलमान खान की टाइगर 3 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फैंस भी इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों फिल्मों से भी ज्यादा बॉलीवुड के एक और मेगा स्टार अक्षय कुमार की एक फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म जवान और टाइगर 3 के मुकाबले में फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार है अक्षय कुमार की फिल्म हेरा फेरी 3 का। इस बात की जानकारी दोस्तों और मैक्स मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है। और मैक्स मीडिया ने ट्वीट करते हुए बताया कि 15 अप्रैल 2023 तक बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्में जिनका अभी तक ट्रेलर नहीं रिलीज हुआ है, इसमें ये फिल्में हैं पुष्पा 2 द रूल, हेरा फेरी 3 जवान, टाइगर 3 भूल भुलैया 3। यह दोस्तों वो फिल्में हैं जो जून 2023 के बाद रिलीज होने वाली हैं और जिनका अभी तक ट्रेलर नहीं आया है। बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्मों की लिस्ट में पहला नंबर साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का है। दूसरे नंबर पर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म हेरा फेरी 3 है। तीसरे नंबर पर शाहरुख खान की जवान और चौथे नंबर पर सलमान खान की टाइगर 3। और पांचवें नंबर पर है बॉलीवुड के उभरते हुए सुपरस्टार कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3। इन फिल्मों में पहले नंबर पर एक साउथ की फिल्म है। अगर इस साउथ की फिल्म को छोड़ दे तो बॉलीवुड में पहली फिल्म अक्षय कुमार की है। फैंस को हेरा फेरी 3 का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म हेरा फेरी 3 का अभी तक न कोई ऑफिशियल पोस्टर सामने आया है या न ही अनाउंसमेंट वीडियो आया है। इसके बावजूद इस फिल्म को लेकर फैंस सबसे ज्यादा उत्साहित है। वही बात करें टाइगर 3 और जवान की तो इन फिल्मों की अनाउंसमेंट वीडियोज और पोस्टर सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद इन फिल्मों का उत्साह हेरा फेरी 3 के मामले में कम है। इस आंकड़े को देखकर यही लगता है कि हेरा फेरी 3 एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित होने वाली है। वही दोस्तों बात करें अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की तो अभी अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियली रिलीज डेट सामने नहीं आई है। इसके अलावा खिलाड़ी अपनी आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग में काफी व्यस्त है। बड़े मियां छोटे मियां ये फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली है। इस मूवी को लेकर कहा जा रहा है कि ये मूवी 2023 की सबसे बड़ी मूवीज में से एक होगी जो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसके अलावा इस साल खिलाड़ी की एक और मूवी रिलीज होने वाली है जिसका टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुआ है। फिलहाल इसे प्रोडक्शन नंबर 27 के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, और प्रोडक्शन नंबर 27 ये मूवी 1 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसी जानकारी खुद खिलाड़ी कुमार ने दी है। वैसे दोस्तों, आप अक्षय कुमार की इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।